बुद्धि के सागर बुद्धि मापन विनय उजागर कोलर सूजे अंतर्धामा बन मानस पुत्र सुलनामा सिग्मन मनो विश्लेषण की स्वप्न विश्लेषण के जनंगी जीन प्याज विसंगे विकेशा वर्वर कृष्ण लेसा क्या क्या बुद्धि है उजारो एमिन रूसे ताना सारे गांधी वेसी वृद्धानंदन सुखी डाल गंधर्व नंदन प्रवचन सुनवे कोरसिया गंडल गार्डन मन के वसिया गुंड रूप दर्शाए को दिखावा प्रथम लय को यही बनवावा ये थोड़ा शॉर्ट कट काम जैसे गुंड रूप दर्शाए को दिखावा प्रथम लय को यही बनवावा गुंड मतलब विलियम गुंड साइको मतलब मनोविज्ञान लय मतलब प्रयोगशाला तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया विलियम बोन्ड ने किया था जैसे साइको चाबी समझा से आया था कि सिग्मन मनोविश्लेषण की स्वप्न विश्लेषण के जननी सिग्मन मतलब सिग्मन फ्रायड मनोविश्लेषण की मनोविश्लेषण वाल का सिद्धांत दिया था और स्वप्न का विश्लेषण किया था इसी आधार पर और थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं जैसे आपको कभी शायद कोई जानकारी दे या नहीं दे परंतु मैं आपके स्वप्न से संबंधित जानकारी दे देता हूँ कि वास्तविकता में स्वप्न हमें क्यों दिखाई देता है और उसकी व्याख्या भी की है तो इससे पहले ना आपको कभी जानकारी मिलेगी या ना कोई वास्तविकता की बातें बताता है परंतु थोड़ी व्याख्या कर ही देता हूँ। जैसे सिग्मंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था तो उसमें आपने पढ़ा होगा उन्होंने मन के तीन भाग बताए चेतन मन अचेतन और अधिचेतन ये आपने पढ़ा होगा। तो होता क्या है चेतन मन का जो भाग होता है वो हमारे मन में सिर्फ 10% होता है कितना होता है 10% अर्थात 1/10 भाग होता है। अब चेतन मन में बातें कौन सी जाती हैं कि व्यक्ति अपनी जागृत अवस्था में कोई कार्य करता है जैसे मान चलो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ आप बातों को ग्रहण कर रहे हैं तो ये सभी बातें आपके कहाँ जा रही हैं चेतन मन में। जैसे श्याम पट पर गुरु जी कुछ पढ़ाए तो उन बातों को आप देखते हैं और पढ़ते हैं तो वो सभी बातें आपकी कहाँ जाएंगी चेतन मन में। उसके बाद में दूसरा जो भाग होता है वो होता है अचेतन मन का। किसका होता है अचेतन मन का। इसका मन में 90% हिस्सा होता है कितना होता है 90% अर्थात 9/10 भाग होता है और एक होता है अर्धचेतन। अर्धचेतन का कोई भाग नहीं होता है इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। तो ध्यान दें अब अचेतन मन में बातें कौन कौन सी जाती हैं तो सिग्मंड फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं अब दमित इच्छाएं कौन सी होती हैं कि व्यक्ति जिन बातों की पूर्ति नहीं कर पाता जैसे व्यक्ति कोई कल्पना करता है या कोई सोचता है उन बातों के बारे में बार बार सोचता है और उन बातों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति की दमित इच्छाएं बन जाती है। क्या बन जाती है दमित इच्छाएं और वे ऑटोमेटिक कहां चली जाती है अचेतन मन में चली जाती है। जैसे मान के चलो आप कोई कल्पना करता है कि आप मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ जाए और मैं एक गाड़ी ले लूं मकान बना लूं और आराम से रहूं और विदेश में घूमने जाऊं इस प्रकार से कल्पना करता है व्यक्ति किशोर अवस्था में ज्यादा करता है। तो जैसे व्यक्ति कल्पना करता है तो वो उन बातों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो सभी बातें व्यक्ति की कहां चली जाती है अचेतन मन में ऑटोमेटिक संग्रहित हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो इसी प्रकार क्या सिग्मंड फ्रायड एक बात बताइए कि अचेतन मन की बातें जब आपको बार बार परेशान करेंगी किसी बात के बारे में आप बार बार सोचते हैं तो फिर वही बात आपके स्वप्न में आती है। कहां आती है स्वप्न में और स्वप्न में उस बात की आपूर्ति करते हैं तो स्वप्न में आप 5 करोड़ रुपए की लालसा रख रहे थे तो आपको एक ना एक दिन स्वप्न दिखेगा और स्वप्न में 5 करोड़ की बहुत सारे पैसे आपको स्वप्न दिखाई देंगे क्योंकि उन पैसों पे आप रेस्ट कर रहे होंगे होता है ऐसा। और जो आपने 10 साल पहले सोचा है 2 दिन पहले सोचा है आज ही सोचा है वो ऑटोमेटिक बात है आपके लिए। आगे चलते हैं जैसे आपकी अवस्था है शैशव अवस्था है बाल्य अवस्था है किशोर अवस्था है इनमें से एक एक प्रश्न पूछा जाता है और आपका साइकोलॉजी का तो कंपलसरी पेपर भी होता है फर्स्ट ईयर में भी होता है और सेकंड ईयर में भी होता है। तो मैं साइकोलॉजी जैसी अवस्थाओं की बात करते हैं जैसे शैशव अवस्था है इसकी विशेषताएं बाल्य अवस्था की हैं किशोर अवस्था की हैं। जैसे शैशव अवस्था है लर्निंग आदर्शकाल लाइफ का इंपोर्टेंट साल भावी जीवन की आधारशिला अंकड़ द्वारा सीखने की कला क्षणिक समय की अवस्था जन्म से 5 वर्ष की अवस्था थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। जैसे लर्निंग आदर्शकाल सीखने का आदर्शकाल कौन सी अवस्था है लाइफ का इंपोर्टेंट साल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था है शैशव अवस्था। क्षणिक समय की अवस्था जैसे कैसे क्षणिक समय की अवस्था शैशव अवस्था जैसे छोटा सा बालक है रो रहा है और तुरंत उसके उसको मोबाइल एकदम रोना बंद कर देगा आजकल मोबाइल कर देते बंद मोबाइल छीन लो तुरंत रोना प्रारंभ कर दिए उसके समय क्षणिक हुए। जैसे बात करते हैं किशोर अवस्था की किशोर अवस्था से तो आप निकल करके भी आए हैं आपके साथ बातें हुई बीती होंगी या आपके छोटे भाई बहन है 13 से 18 साल तक के उनकी बातें होंगी। तो जैसे मैं उनकी कुछ विशेषता बताता हूँ जैसे 4 पंक्तियों में किशोर अवस्था की बातें जैसे एज ऑफ ब्यूटी टीन एज की बूटी उतल उतल संघर्ष और तूफान तार चिंतन और आसमान दबाव और तनाव बसंत ऋतु के नवाब
उत्पत्ति और जन्म समस्याओं का पिटारा, सम्यक परिवर्तन और समाज की स्वीकृति का सारा दल भक्ति, थोड़ा सॉर्ट करता हूँ। जैसे एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी कौन सी अवस्था हमारी, किशोर अवस्था, अर्थात सुंदर दिखने की चाह सबसे अधिक कौन सी अवस्था में होती है, किशोर अवस्था में होती है। आपने देखा होगा, आप भी किशोर अवस्था में रहे होंगे, टीनेज 30 से 18 की अवस्था है। जैसे आपने देखा होगा कि किशोर या किशोरी घर से कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से घूम घाम के घर में आते हैं, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है, शीशा पर जाता है। सबसे पहले कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो सुबह से शाम तक घूमना ये उनकी विशेषता है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी बता रही है। तो बाहर वो जरूर काटेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो सुंदर दिखने की चाह होती है, वो किशोर अवस्था में होती है। जैसे बात करते हैं, जैसे दबाव और तनाव, बसंत ऋतु का नवाब, उत्पत्ति उलझन और समस्याओं का पिटारा, समय परिवर्तन, अटपटी उलझन, तूफान की अवस्था, सहज अवस्था कैसे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपके लिए। तो दबाव और तनाव में किस तरीका से रहता है किशोर अवस्था में बालक, क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घर में चार बड़े व्यक्ति किसी सीक्रेट विषय पर बात कर रहे हैं, तो किशोर के मन में लालसा रहती है कि घर वाले आज क्या बात कर रहे हैं, कहीं मेरी कोई गलती को पता ना चले, उनके पास जाकर के खड़ा हो जाएगा और वो ध्यानपूर्वक सुनेगा क्या बात कर रहे हैं। सही बात है। अब क्या होता है, घर वालों को पता चलेगा कि बारहवीं के पेपर चलने वाले हैं इसके कुछ समय बाद, तो उससे कहेंगे तो उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तो वही बालक है चलने से उसको वहां से भेज देते हैं। तो किशोर पर अपने मन को संतुष्ट करता है, सोचता है कि यार मैं तो अभी बालक हूं, मुझको इन बातों से क्या लेना देना, मन को संतुष्ट करता है। अगले दिन जब उससे कोई गलती हो जाती है तो वो घर वाले उससे कहते हैं कि अब बेटा तू बालक नहीं रहा है, सियाना सोखा हो गया है, शादी लायक हो गया है, इसलिए गलती मत किया कर। फिर वो किशोर ही सोचता है कि यार घर वाले तो कहते हैं कि तू बालक है और घर वाले कहते हैं कि तू बालक नहीं है, तो वो दबाव और तनाव में भी रहता है और झंझावत तूफान की भी अवस्था है स्टेनली हॉल के अनुसार। तो यहाँ अब जैसे हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक गाना साइकोलॉजी दे देते हैं और फिर एंड करते हैं, फिर आपको पुस्तकें दिखाएंगे। जैसे आपने अधगम पढ़ा होगा, अधगम के बहुत सारे सिद्धांत और चार पंक्तियों में बताता हूँ, फिर मैं गाना लेता हूँ। जैसे अधगम के सिद्धांत है, कौन सा प्रयोग किस पे किया गया है, तो ध्यान दें। जैसे प्रयत्न करो या भूल करो, प्रयास करो या त्रुटि, उद्दीपक अनुक्रिया बिल्ली सबकी मौसी, तो बिल्ली पर प्रयोग किए गए ये सिद्धांत और किसने दिए, कौन कौन से है, प्रयत्न करो या भूल करो, प्रयास करो या त्रुटि, उद्दीपक अनुक्रिया बिल्ली सबकी मौसी, सिख सिखाने का संबंधी आवृत्ति है ठूसी, ऐसा और संयोजन है थॉर्न की है मोसी, थॉर्न मतलब थॉर्न ऐड ने दिए, सब सिद्धांत किसने दिए, थॉर्न ऐड ने, और बिल्ली पर प्रयोग किए किस पर किए, बिल्ली पर, कौन कौन से, प्रयत्न का, भूल का, प्रयास का, त्रुटि का, उद्दीपक अनुक्रिया का, ऐसा ठूरी का, आवृत्ति का और संयोजन का। उसके बाद थोड़ा आगे चलता है, जैसे प्राचीन हो शास्त्री अनुबंधन के संबंधी, अनुकूल और अनुबंधित का भी कुतिया ऋषि, ऋषि वैज्ञानिक का पावलम ने कुत्ते पर प्रयोग किए, अनुबंधन वाले सिद्धांत उन्होंने क्या है, कुत्ते के मुख में परख नली लगाई, क्या लगाई, परख नली, हाँ भैया क्या बात है, ध्यान बिच लेता है, क्या नाम है बहन जी का, सबसे बोल जाऊंगा मैं, हाँ ध्यान दें। जैसे अनुबंधन के सिद्धांत पावरों ने देते कुत्ते के मुख में परख नली लगा दी थी, तो होता क्या है, उन्होंने प्रयोग किए, किस प्रकार प्रयोग किए थे, कुत्ते के लिए फर्स्ट स्थिति में क्या उसके लिए भोजन दिया गया था, तो कुत्ता भोजन को देखता है और तो ऑटोमेटिक उसके मुख में क्या जाती है, उसको परख नली में वो एकत्रित कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो साथ में घंटी बजाई जाती है, क्या बजाई जाती है, घंटी, और जब कुत्ता उस भोजन को देखता है उसके मुख में लारा आती है, तो वो कुत्ता घंटी से अनुबंधित हो जाता है, किससे अनुबंधित हो जाता है, घंटी से, घंटी से अनुबंधित हो जाता है, तो वो समझ जाता है कि जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ता क्या समझता है, भोजन आने वाला है। तीसरी स्थिति में भोजन नहीं दिया जाता, सिर्फ घंटी बजाई, क्या बजाई, घंटी बजाई, तो कुत्ते ने क्या समझा कि आने वाला है, भोजन आने वाला है, ऑटोमेटिक उसके मुख में लार आ गई, परंतु उसको भोजन नहीं दिया गया था। जैसे ही आपकी मान चलो क्लासेस चल रही है और एकदम आपके साथ 15-20 घंटे इस तरीका से लग जाए, जैसे आप स्कूलों में पढ़े होंगे तो आप क्या समझेंगे, छुट्टी होने वाली है, क्योंकि 15-20 घंटियों से आप समझ जाते हैं, अनुबंधित हो जाते हैं कि छुट्टी होने वाली है। जैसे मान के चलो यहाँ पर घड़ी लगी हुई है और डेली इसमें आप टाइम देखते हैं, डेली टाइम देखते हैं, 6 महीने से आप टाइम देखते हैं, फिर अचानक मैं एक दिन इसको इधर से हटाकर उधर लगा देता हूँ, तो आप यहाँ अनुबंधित हो गए। फर्स्ट के दिन जब आपका मन करेगा टाइम देना कितना टाइम होगा, तो सबसे पहले ध्यान आपका यहाँ पर जाएगा, फिर आपको पता चलेगा घड़ी तो उस तरफ है, तो क्या वो अनुबंधन का सिद्धांत है। अब मैं एक साइकोलॉजी में भी गाना ले लेता हूँ और फिर मैं
एंड करता हूँ, फिर आपको पुस्तक में दिखाऊंगा, फिर आप पुस्तकों की वास्तविकता से रूबरू होंगे। क्या होता है कि बी एड करते हैं तो अपनी एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान रहता है, और जब पीछे पछताते हैं कि यार कोई भी आए, मुझसे नहीं कोई भी आए, कुछ अगर शिक्षा की बातें बता रहा है तो थोड़ा अमल करना चाहिए 15-20 मिनट, क्योंकि कब कहाँ से क्या सीखने वाली बात मिल जाए और कब कहाँ से कौन सी बात आपके लिए अच्छे दिमाग में बैठ जाए और क्यों तो एग्जाम में भी वो बात आ जाए। तो जैसे हम आपके लिए बात करते हैं, जैसे वंशानुक्रम वातावरण, आनुवांशिकी आपने पढ़ी होगी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आप साइंस में भी पढ़ते हैं और वो मनोविज्ञान में भी है आपके, तो उसके कुछ सिद्धांत हैं, कौन सा सिद्धांत पिछले दिया था उनको मैं गाने के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे जनन दर्भ का सिद्धांत है, बीज कोष का सिद्धांत है, बीज मैन ने दिया था, किसने दिया था, बीज मैन ने दिया था, और उन्होंने क्या है, बीज मैन ने चूहों की पूछ काट करके प्रयोग किए पीढ़ी दर पीढ़ी। अब प्रयोग करने की आवश्यकता उसको क्यों पड़ी, क्योंकि इनसे पहले एक मनोविज्ञानी आया था डार्विन, उसने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया, उद्भव एवं विकास का सिद्धांत, उसमें उन्होंने बात बताई कि जो जीव अपने अंगों को कम काम में लेते हैं वो धीरे करके क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कि उन्होंने बताया कि सर्प में पहले पैर थे, वो बिल में प्रवेश करता तो पैरों से उसको प्रवेश करने में दिक्कत आती, इसलिए उन्होंने पैरों का उपयोग कम कर दिया और वो धीरे करके क्या हो गए, लुप्त हो गए। इसी आधार पर बीजमैन ने चूहा लिए, उन दोनों की पूंछ काट दी, फिर उनकी संतानें आई, फिर उनकी पूंछ काट दी, ऐसे फिर उनकी संतानें आई, उनकी पूंछ काट दी, क्यों काट दी, क्योंकि उससे पहले डार्विन ने बताया कि जो जीव अपने अंगों को कम काम में लेते हैं वो धीरे करके क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो वो जन्म लेते हैं उनकी पूंछ काटता और सोचता कि एक ना एक दिन ये पूंछ क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनको कोई काम में नहीं ले रहे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, 32वीं 23वीं पीढ़ी तक जब उन्होंने प्रयोग किया, तो जब उन्होंने चूहों को जन्म दिया चूहों ने, तो उन्होंने क्या है, पूंछ वाले चूहे उत्पन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि डार्विन तो झूठा है, अर्थात डार्विनवाद के सिद्धांत का खंडन जो किया था वो किसने किया था, बीजमैन ने। और उन्होंने बताया कि जीव का निर्माण दो प्रकार के कोषों से होता है, एक दाहक कोष और एक उत्पादक कोष। दाहक कोष से पूरे शरीर का निर्माण होता है और उत्पादक कोष से लिंग निर्धारण का कार्य होता है नर मादा के रूप में। तो जनन द्रव्य बीज कोष का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत आया अर्जित या उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, जो कि लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था, जराक की गर्दन पर प्रयोग किए गए थे। क्या बताया गया, पहले वनस्पति खत्म हो गई थी तो जराक की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, सिर्फ पहले ऐसा था जैसे धारीदार गधा होता है, तो पेड़ की टहनियों को खाने के लिए उन्होंने गर्दन को ऊपर करके खाना प्रारंभ किया, और धीरे करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ती चली गई। एक बार सीटेट में प्रश्न भी पूछा जाता है इसी आधार पर, क्योंकि प्रश्न व्यवहारिक आते हैं साइकोलॉजी में, ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों के द्वारा एक लटकना बनाया जाता है कि जिन व्यक्तियों की लंबाई कम रहती है तो वो उस पर लटक करके और वो अपनी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बताओ एक किसके सिद्धांत पर आधारित है, लेमार्क के सिद्धांत पर। आपने देखा होगा जिनकी हाइट कम रहती है घर वाले भी कहते हैं कि बेटा लटका कर जिससे कि तुम्हारी लंबाई बढ़ जाए। ये सभी साइकोलॉजी की बातें। उसके बाद में आनुवंशिकी के सिद्धांत आए, वो किसने दिए, मेंडल ने दिए थे, मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। उसके बाद में एक जीव साइंटी का सिद्धांत आया जिसे पैतृकता के संचरण का सिद्धांत कहा जाता है, वो फ्रांसिसी कोल्टन ने दिया था। अब पैतृकता का संचरण अर्थात संतान में जो लक्षणों का संचरण होता है उसका एक क्रम होता है, 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32 नाना नानी और पिता की तरफ से दादा दादी, उसके बाद में 1/8 फिर 1/16 उनके भी माता पिता फिर उनके भी माता पिता, इस प्रकार से व्यक्ति में लक्षणों का संचरण होता है। जैसे आपने देखा होगा छोटी सी बाल का झलक दिखला था, अभी आपको याद हो जाएंगे सभी सिद्धांत, और फिर मैं करता हूँ। अब तो खैर ये चल रहा है, पर आप कभी भी जैसे नोटिफिकेशन आएगी रीट की, शायद फिर भी सेवाएं देंगे, तो जब आप क्लास लेंगे कभी आप हमारे द्वारा, जैसे कहीं भी किसी मोड पर, जैसे हम सीजनेबल 2-3 महीने पढ़ाते भी है जब ज़्यादा भर्ती की मांग रहती है, तो क्योंकि कुछ सेवाएं आप देते हैं तो पढ़ाने का इंटरेस्ट ही ये रहता है। साइकोलॉजी में आप बोर नहीं होंगे कभी भी, तो ध्यान दें। जैसे हम बता रहे थे तो गाने में जो शब्द आएंगे वो सभी शब्द आपके सिद्धांत होंगे, सिर्फ मैंने तर्ज आपको बता दिए। तो ध्यान दें, जनन द्रव ले जा, बीज कोष ले जा, बीज कोष ले जा, बीज मैन आ जा, जनन द्रव का सिद्धांत है, बीज कोष का सिद्धांत किसने दिया, बीज मैन ने। उपार्जित गुण के संचरिया ना अर्जित गुण के स्थान तरिया, लेमा का आ जा। उपार्जित गुण का संचरण का सिद्धांत और अर्जित गुण का संचरण का सिद्धांत किसने दिया, करता रहता हूं मैं।
ऐसा नहीं है जो मैंने बताया हर पर्वत का लगभग तय है गाने की चौपाई करता दोहा पर पंक्ति के माध्यम से तो दो वैसा खड़े हों और दो दो तीन दिन के बीच में एक एक किताब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप देख लें ऐसा नहीं है जो मैंने बताया कि कोई बात है।